गुड मॉर्निंग हिमाचल। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। भगवान रघुनाथ के दर से हटाया जाए पर्दा, दशहरा में दर्शन को पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़ ने उठाई आवाज। 7 साल में भी पूरा नहीं हुआ स्कूल का काम, नई बिल्डिंग के इंतजार में राजगढ़ के बाशिंदे। बे जवानों की आंख फोड़ी, कान भी काटे, मसीहा बनकर आए इन 4 युवकों ने दी नई जिंदगी। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू दशहरा उत्सव में जहां अस्थाई शिविरों में देवी देवता विराजमान हैं, वहीं उनके दर्शनों के लिए भी श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। लेकिन कुछ देवताओं के शिविरों को पूरी तरह से पर्दे से बंद करने पर श्रद्धालुओं ने भी आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शान भगवान रघुनाथ के शिविर में रोजाना लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। शिविर में जहां भगवान रघुनाथ की 4 समय विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं देवी देवता भी भगवान रघुनाथ के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। आम जनमानस भी भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा अर्चना देखने के लिए ढालपुर मैदान का रुख कर रहे हैं। लेकिन अस्थाई शिविर को चारों ओर से पर्दों से बंद करने से शिविर के बाहर भीड़ भी एकत्र हो रही है। ऐसे में भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि शिविर के बाहर लगा पर्दा हटाया जाए, ताकि लोग बाहर से भी भगवान रघुनाथ के दर्शन कर सकें। महेश्वर सिंह का कहना है कि शिविर में आने के लिए एकमात्र गेट ही बचा हुआ है और ऐसे में लोगों की ज्यादा भीड़ उसी गेट पर पड़ रही है। गौर रहे कि अस्थाई शिविर के बाहर देवी देवताओं के दर्शन के लिए जिला प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है, ताकि सामाजिक दूरी व अन्य नियमों का पालन किया जा सके। कि रघुनाथ जी का मैंने खुद सुझाव दिया कि फेंसिंग मत निकालिए, फेंसिंग निकालेंगे तो फिर तो भीड़ नहीं काटपू होगी। अब देखो ये लोग भी तो देख रहे हैं ना, यहाँ से ये कुछ हुआ तो देख लिया, अगर ये बंद हो फिर तो सारी गेट के ऊपर लगेगी ना भीड़, तो इसलिए उस भीड़ में तो फिर डिस्टेंस नहीं है, उससे अच्छा डिस्टेंस जाने दो। अच्छा खुला रखेंगे तो रेगुलेट हो जाएगी भीड़, पहला दिन तो बहुत होती थी शायद, इसलिए विभाग सरकार ने या समिति ने ऐसा किया होगा, लेकिन अब तो लोगों को आने दे दो कि भाई वो आएंगे दर्शन करेंगे रघुनाथ के, देवताओं के दर्शन करेंगे। देव लगाई है, बैरिकेडिंग लगी है बाहर, रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते में गाइड करिए लोग उससे आकर आए, ताकि 2 गज की दूरी भी रहे, मास्क भी रहे। मास्क भी मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई नहीं आएगा बिना मास्क के आया तो उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ रखा है वो थैला रखना, यहाँ कोई मास्क के बगैर हो ना, बगैर तो घर में रखो, कुछ यहाँ रखो, दे दे। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनटीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेस में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0192722145, 9418787444। एक स्कूल के भवन का काम अगर 7 वर्ष से निर्माणाधीन हो तो सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। जिला सिरमौर के शिक्षा खंड राजगढ़ का उच्च विद्यालय ध्रोटी भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहा है, और इसका खमियाजा और कोई नहीं बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भुगत रहे हैं। ध्रोटी स्कूल के निर्माणाधीन भवन के संबंध में सरकार और नेताओं के दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं। 2010 में उच्च विद्यालय का दर्जा मिलने के बाद नए भवन का शिलान्यास पूर्व कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2013 में किया गया था, लेकिन बजट की पूरी राशि जारी न होने के बाद कार्य ऐसा रुका कि आज 7 वर्ष पूर्ण होने को आए लेकिन भवन अभी भी निर्माणाधीन ही है। स्थानीय लोगों ने सरकार के नुमाइंदों को कई ज्ञापन सौंपे। वर्तमान सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी वादे किए, जनमंच में भी समस्या को रखा गया लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। धोटी तनुत होके 2010 में हाई स्कूल बना है, और उसके हाई स्कूल बनने के बाद यहाँ पर कोई भी कमरे हमारे पास नहीं है, कमरे वही है जो हमारे 8वीं कक्षा तक थे, मिडल तक के कमरे थे। 2013 में जो हमारे पास नई बिल्डिंग आई है इसका कार्य शुरू हुआ, फाउंडेशन तोड़ रखा गया है, और 2014 से और 2015 2 साल हिमुड्डा ने इस कार्य को लिया है, उनने कार्य किया है, लेकिन एक कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इस बिल्डिंग का कार्य देख रहे हैं आप, बहुत ही अधूरा पड़ा हुआ है ये, और इसके इस कार्य को पूरा ना होने के कारण यहाँ कमरों की बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आजकल कोरोना का समय चला हुआ है, हमारी 10वीं क्लास विद्यालय में आ चुकी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन बच्चों को हम जैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में
अगर हमारे सारी क्लासेस विद्यालय को आती हैं तो हमारे को जो SOP गाइडलाइंस के अनुसार चलना दिक्कत आ सकती है उसमें, कि हम किस तरह से इन बच्चों को बिठाएंगे। कमरे मात्र 3 है, कक्षा हमारे पास 5 है। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो है कार्य सुचारू रूप से शीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र कुटलहड़ के गांव टक्का के 4 युवक बुरी तरह से घायल हुए आवारा गोवंश के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। इन नौजवानों ने न केवल बेजवानों के दर्द को समझा बल्कि उनका दर्द कम भी किया। 3 माह से युवक लगातार इन घायल बैलों की निष्काम सेवा कर रहे हैं। युवक रोजाना सुबह शाम इन बैलों के लिए चारे व पानी की व्यवस्था भी करते हैं, जिसमें पशुपालन विभाग से SBO डॉक्टर राकेश भट्टी व स्थानीय महिला पशु चिकित्सक सीमा घायल जानवरों के उपचार में नवयुवकों की सहायता कर रही हैं। मानवीय क्रूरता का शिकार हुए इन बेजवानों की हालत इतनी गंभीर थी कि इनके जख्मों को देखकर रूह कांप उठती थी। एक बैल के दोनों कान काट दिए थे तो एक बैल की आंख फोड़ दी गई थी। आवारा बैलों की दयनीय हालत देखकर गांव के युवक प्रभात, राहुल, अमन, नितिश व सौरभ का दिल पसीज गया और इन्होंने इनके उपचार का फैसला किया। युवकों ने हिम्मत नहीं हारी और घायलों की सेवा में दिन रात डटे रहे, जिसके बाद अब इनकी हालत में काफी सुधार आया है। प्रभात जी, क्या पूरा मामला है? गोवंश की आप सेवा कर रहे हैं तो ये कैसे आपकी पकड़ में आए? आपने कैसे इनको इलाज किया? देखिए, यहाँ पे हमारे गांव में ही इसको इंजर्ड किया गया था। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशु प्रेमी नहीं होते, तो जब हमने यहाँ पे देखा तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। एक ही तो आँख बाहर आ गई है और एक तो दोनों कान कटे हुए थे। तो हमने देखा इनको, फिर करा यहाँ पे पकड़ा और डॉक्टर से बुलाया वगैरह, बेहोश वगैरह करवाया, ट्रीटमेंट शुरू किया। अभी हमको कम से कम 2-3 महीने हो गए लगातार इनकी सेवा करते हुए, तो आज तक यहाँ पहुँचे अभी। इसमें वेटनरी विभाग आपकी कोई हेल्प कर रहा है पशुपालन में? इसमें जो सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं हमारे डॉक्टर भट्टी, उनकी अध्यक्षता में एक टीम आई थी जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया, और हमारे गांव की लोकल वेटनरी ऑफिसर भी हैं सीमा जी, वो भी इसका ट्रीटमेंट डेली बेसिस पे कर रही हैं। उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो इनके खाने का इंतजाम आप कैसे कर रहे हैं? हम पर्सनल बेसिस पे इसका कर रहे हैं और कुछ गाँव वाले भी डोनेशन देते हैं इसको देख रेख के लिए, खाने की वो हम कर रहे हैं व्यवस्था उससे। तो इसके लिए जैसे लोग जानवरों को ऐसे उनके साथ क्रूरता करते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या लोग इनको प्रोटेक्ट करने में आगे आएँ, इसके लिए आपका क्या विचार रहेंगे? हम चाहते हैं कि एटलीस्ट किसी का कोई भी अंग ना कोई काट दे, ताकि वो ज़िंदगी के लिए अंग विहीन हो जाए और उसका जीवन काटना बहुत ही कष्टदायी हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसको, अगर कोई स्ट्रे एनिमल आपके पास आया भी है तो जो गवर्नमेंट ने गौशाला बनाई है वहाँ उसको कंसल्ट करके वहाँ पे इसको दे दिया जाए, ताकि ऐसी क्रूरता ना हो कि ताकि किसी की आँख ही खत्म कर दी, किसी की ना काटा जाए, हाँ, मतलब पार्ट ही खत्म कर दिए, लेग्स दोनों डैमेज हैं इसकी और एक के तो कान भी नहीं है, सारी ज़िंदगी के लिए रोगी हो गया है।